Assalamualaikum guys, today I'm back with some new designs. Let's go ahead and see them. Assalamualaikum my all friends. क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे. मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आज मैं आप लोगों के सामने दो सूट लेके आई हूँ जो ब्रांडेड सूट है. और चलो देखते हैं इसकी डिटेल कि मैंने इनको किस तरह स्टिच किया हुआ है, किस तरह इनके डिजाइन. अच्छा, ये शर्ट जो है वो अलग टाइप मैंने ली हुई है. ये मैंने रेडीमेड शर्ट ली हुई है. आप लोग कहेंगे कि रेडीमेड लिए तो क्यों दिखा रहे हो? वो इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों के साथ भी यही मसला हो जो मेरे साथ हुआ था. तो इनको मैंने किस तरह, इनकी साइज़ मेरी जो थी वो छोटी थी और बाकी सब फिट फाट था, लेकिन साइज़ सिर्फ छोटे होने की वजह से, चूँकि कद मेरा थोड़ा सा वो है तो साइज़ छोटी लग रही थी मुझे. तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि उनकी साइज़ मैंने कैसे बड़ी कर दी है. ये मेरा एम्ब्रॉयडर्ड वो शर्ट है, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट ली थी इतिहाद ब्रांड से. तो स्टिच ली हुई थी, रेडीमेड ली हुई थी, तो साइज़ छोटा होने की वजह से पूरी वो जो है हो रहा था. लेकिन ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी. ये चूँकि आप लोग देख रहे होंगे कि इनके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये फुल शर्ट एम्ब्रॉयडर्ड है, सॉलिड एम्ब्रॉयडर्ड है. तो साइज़ छोटे होने की वजह से मैंने इनके साथ क्या किया है कि यहाँ पे प्लेटें डाली हुई थी, वो प्लेटें मैंने यहाँ से जो सिलाई थी वो मैंने खोल दिए, ये देखें. और इसके बॉर्डर पे मैंने ओवरलॉक कर दिए ताकि साइज़ थोड़ी सी छोटी और बड़ी हो जाए, लेकिन साइज़ फिर भी छोटी थी. तो क्या किया है मैंने, मैंने इनके साथ ये एम्ब्रॉयडरी वाली लेस ली है जो इनके साथ बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है. और इस तरह ये देखें कि 2 इंच तक ये इनका जो साइज़ है 2.5 इंच होगा वो बड़ा हो गया है इस लेस की वजह से. तो मेरा मकसद था आपको ये दिखाना कि अगर आपको कोई शर्ट पसंद आ जाए और उनको वो आप पे पूरा ना हो, साइज़ छोटी हो या चौड़ाई में वो खुली हो या तंग हो, तो वो आप कर सकते हैं. तंग हो तो फिर तो नहीं हो सकता, सॉरी, लेकिन वो खुली हो तो आप खुद ही यहाँ पे वो कर सकते हैं. ये मेरे में खुली थी, लार्ज साइज़ था तो खुली थी, वो मैंने फिट कर दिए, फिटिंग सही कर दिए. और लंबाई के लिए मैंने ये लेस ली है जो 2.5 इंच तक मेरी कमीज बड़ी हो गई और मेरा साइज़ जो है वो पूरा हो गया. और देख सकते हैं कि किस तरह मैंने इन फूलों के साथ इनको जो एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये फूलों वाली, इसके साथ मैंने किस तरह ये एम्ब्रॉयडरी लेस ली हुई है. आप लोग बाज़ार से आसानी से मिल सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ मार्केट में घूमना फिरना पड़ता है, मिल जाती है. आजकल हर चीज़ मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह. और बाकी जो है बैक पे भी उसी तरह मैंने एम्ब्रॉयडरी वाली बॉर्डर पे शर्ट ही ली है और वो लगा दिए. और इसके साथ मेरी कमीज बड़ी हो गई और बहुत ही अच्छी लग रही है ये शर्ट. ये चूँकि मैंने सिंगल शर्ट ली थी, और इसके आस्तीन भी दिखा देती हूँ, आप लोग बना सकते हैं इस तरह का डिज़ाइन लेके. ये देखिए, इनके दरमियान में लंबाई में मैं वो जो है छोटी छोटी प्लेटें डली हुई है 3, और फिर इसके साथ ये मोतियाँ जो है ये लगी हुई है, और यहाँ पे कटवर्क में डिज़ाइन बना हुआ है, और यहाँ पे भी फिर 3 प्लेटें डली हुई है. आप लोग इस तरह आस्तीन बना सकते हैं, किसी भी ब्रांड पे जाके कोई भी डिज़ाइन देख सकते हैं और आस्तीन बना सकते हैं. अच्छा, ये थी सिंगल शर्ट, और इसको मैंने 3 पीस बना दिया है. इसके एम्ब्रॉयडरी के साथ जो लेस है वो कंट्रास्ट में मैंने सब कुछ करके ऑफ वाइट में ये मैंने बिल बॉटम ट्राउज़र बनाया हुआ है. ये इनके साथ कपड़ा लेके लाइमलाइट से, और मैंने ये बिल बॉटम ही ट्राउज़र बना दिया है. और इसके साथ फिर मैंने वूल की शाल ली हुई है ऑफ वाइट में, क्योंकि कंट्रास्ट में मैंने बनाना था. ऑफ वाइट में इसके साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है. सिंपल वूल शाल ली है और इनके साथ कंट्रास्ट में 3 पीस सूट बन गया है मेरा. बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सूट बना हुआ है. मेरे सेकेंड नंबर का सूट जो है वो एथनिक ब्रांड से मैंने लिया हुआ है, और ये मैंने 2 पीस लिया हुआ था, शर्ट और ट्राउज़र अनस्टिच. तो मैंने इसके साथ क्या किया, ये प्रिंटेड सूट था. अब इसके साथ मैंने फिर शाल लिए जो 3 पीस बन गई है. आते हैं इसके डिज़ाइन नेक के ऊपर. नेक मैंने इंडियन शेप में काटी हुई है,
इनको इंडियन शेप भी कहते हैं, स्वीट हार्ट शेप भी कहते हैं। ये इंडियन शेप में नेक कटी हुई है और ये बाकी प्रिंटेड ही है। अच्छा, इनके वो जो ये गले पे मैंने बटन लगाने, या तो पर्ल के बटन खुद ही बनाऊंगी या मार्केट से ले लूँगी, क्योंकि मेरे जो पहले भी मैंने कहा है कि मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और कैमरामैन जो है वो मेरे बच्चे, और बच्चे माशाल्लाह मेरे सारे जो यूनिवर्सिटी में चले गए, अल्लाह उनको कामयाब करे। तो अब वो ज़्यादा आते नहीं हैं, आजकल वो आए हुए थे 2 दिन के लिए, तो मैंने उनसे काम ले लिया है और ये सारा कुछ वीडियो वगैरह बना दिए। तो इसके बॉर्डर पे आते हैं। बॉर्डर जो है ये इसके साथ साइड के साथ साइड है, बॉर्डर था कपड़ा था जो मैंने काट के गोल सिलाई, ये देखिए गोल सिलाई की है, गोल सिलाई से मैंने बॉर्डर का कपड़ा इनके साथ अटैच कर दिया है और इनके बॉर्डर डिज़ाइन किए हुए हैं। बाकी इसकी बैग जो है वो भी उसी तरह प्रिंटेड ही है, वो चेंज है, थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज है। और इसके बॉर्डर पे वही मैंने कपड़ा लिया हुआ है जो साथ में इस सूट के साथ था, और मुख्तलिफ कलर थे इसके साथ, वो मैंने गोल सिलाई करके ये देखे और ये बना दिया है बॉर्डर इसका। आते हैं इसके आस्तीन के ऊपर। आस्तीन भी प्रिंटेड ही है, ये प्रिंटेड 2 पीस ही था। आस्तीन के साथ सिर्फ मैंने ये किया, सिंपल आस्तीन बनाए हैं, थोड़े से कूले रखे हैं। और इसके बॉर्डर पे वही जो मैंने कपड़ा लिया हुआ था कमीज़ के फ्रंट और बैक के बॉर्डर पे मैंने लगाया था, वही पट्टी चोटी से काट के यहाँ पे आस्तीन के ऊपर लगा दिया, क्योंकि इसका प्रिंट इस तरह था कि थोड़ी चौड़ी नहीं लगा सकती, तो बस टच देने के लिए वही पट्टी छोटी सी लगा दिए। इसका ट्राउज़र जो है वो भी प्रिंटेड है, लाइनो लाइनो वाला, और कदर का कपड़ा है। सिर्फ इसके साथ मैंने, चूँकि कस्टमर के फरमाइश थी कि वो बेल्ट शलवार बनाए, तो बेल्ट शलवार बना दिए। और इनके पांचों पे थोड़ा सा मैंने ये कट का डिज़ाइन दिया हुआ है, ये देखिए दरमियान में, ये शलवार के दरमियान में आ जाएगा, ये डिज़ाइन दिया हुआ है। बाकी जो ट्राउज़र है बेल्ट शलवार बनी हुई है, ये देखिए ये बेल्ट डली हुई है, और मैंने सिंपल ही शलवार बनाई है। अच्छा, जैसा मैंने बताया था कि 2 पीस मैंने लिए हुआ था, शर्ट और शलवार, और इसके साथ फिर मैंने ये शॉल ली हुई है। वूल शॉल तो नहीं है, बस लोकल सी शॉल मैंने ली हुई है। और ये किसके साथ मैंने मैच किए, ये देखे, ये इसके साथ मैंने इनके बॉर्डर पे जो मैंने वो लगाया है कपड़ा, वही उनके साथ मैच करके ये शॉल ली हुई है, और इसके साथ बहुत ही अच्छी लग रही है। इसके साथ हम ऑफ वाइट शॉल भी ले सकते हैं, रेड शॉल लेते जिस तरह इनका कलर है तो प्यारा ना लगता, लेकिन इसके साथ मैंने मस्टर्ड कलर में मल्टी कलर जो है इसमें सारे हैं वो है बॉर्डर पे जो थे कलर, वही मल्टी कलर लेके ये शॉल ली हुई है, उनके साथ डिज़ाइन किए हुए जो उनके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। Here we are again. Tell me how you like the video in the comment section. Leave a like and subscribe to our channel. Make sure you press the little notification bell so you get notified when every post another video. Bye bye.